तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी फिल्म देख के आऊं, PS1 पोनियन सेल्वन पार्ट वन देख के आऊं। इसके अंदर है विक्रम, कार्ती और ज्याम रवि और प्रकाश राज और ऐश्वर्या राय बच्चन इसके अंदर है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर है त्रिशा और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मनी रत्नम। इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो ये बेस्ड है नोवल पे, जो कल्कि ने लिखा था नोवल पोनियन सेल्वन, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और ये फिल्म दो पार्ट के अंदर आने वाली है, एक पार्ट तो हमें अभी दिखाई दिया गया और दूसरा पार्ट 2023 के अंदर हमें जो है देखने को मिलेगा। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो ये चोला साम्राज्य के सिंहासन के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है बुनी। तो पार्ट वन के अंदर वो स्टोरी कुछ ऐसा क्लियर सा विजन उनका नजर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ स्टोरी है ना, कुछ खास समझ में नहीं आती है। दोस्तों कौन क्या कहना चाहता है, डायरेक्टर आखिरकार क्या दिखाना चाहता है, फिल्म हमें क्या बताना चाहती है, वो कुछ खास समझ में नहीं आती है। दोस्तों ऐसे दिमाग पे ना प्रेशर सा पड़ा रहता है, समझने की कोशिश बहुत करता है ये दिमाग लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं आखिरकार हो क्या रहा है स्क्रीन पे। ऐसा कुछ मुझे लग रहा था नहीं, फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी है ना समझ में नहीं आता, पता नहीं डायरेक्टर साहब क्या बताना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे और क्या हमें दिखाना चाहते थे, वो बिल्कुल भी मेरे तो दिमाग से परा था। अगर आपको समझ आना है कमेंट जरूर करना, मेरे तो यार कुछ खास समझ में आया। और साथ में जो ऑडियंस भी बैठी थी ना उनको भी कुछ खास समझ में नहीं आया, मोबाइल चला रहा था, कोई बाथरूम के लिए जा रहा था, कोई पॉपकॉर्न लेके आ रहा था, ऐसा माहौल बना हुआ था और कोई तो सो भी गया था, ऐसा माहौल बना था। यानी दोस्तों इतना ज्यादा मैं बोर हो गया था इस जो फर्स्ट हाफ से, लेकिन सेकंड हाफ में भी लगभग क्या है कि ऐसा ही माहौल बना रहा, यानी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन क्लाइमेक्स के अंदर थोड़ा सा हल्का सा मजा आया, हल्का सा मजा आया, ऐसा नहीं है कि पूरा मजा आया, हल्का सा मजा आया। लेकिन भाई साहब दिमाग पे प्रेशर तो वहां पे भी बना हुआ था कि क्या हो क्या रहा है स्क्रीन पे, अब ये कौन आ गया, अभी ये क्यों आ गया, इसे क्यों मारना चाहता है, मतलब यार इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था जो कि समझ में नहीं आया। नहीं दोस्तों कोई बंदा है सामने कुछ बोलना चाहता है, समझाना चाहता है और वो बोल काफी ज्यादा ऐसे पर उसकी समझ में नहीं आ रही, ऐसा समझना आप चाहते हो भी बोलना क्या चाहता है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो आपकी समझ नहीं आ रही, यानी दोस्तों वो बंदा साफ नहीं बोल रहा है। तो ऐसा कुछ फिल्म के अंदर मुझे लगा कि कोई बंदा है सामने जो कुछ बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, यानी दोस्तों ऑडियंस है ना वो कैच नहीं कर पा रही है। नहीं दोस्तों मैंने कैच नहीं किया, और साथ में जो ऑडियंस थी ना जहाज में तो देखने आए थे फिल्म, वो तो ये सोच रहे थे यार ये फिल्म क्यों देखना है, इससे अच्छा तो विक्रम बेहता लगी हुई है साइड में, उसी को देख लेते हो ज्यादा बढ़िया रहता, ऐसे ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले यार। अभी अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सबकी अच्छी थी, एक्टिंग सभी ने अच्छी की, सबकी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन वही है ना कि कुछ समझ में नहीं आया तो बंदा क्या करे, आखिरकार करे तो करे क्या। अब वहीं सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी थी, लोकेशंस काफी प्यारी प्यारी लोकेशंस आपको दिखाई देती है, बीजीएम अच्छा था, ठीक था, ओके था, ऐसा भी नहीं था कि आपके गूज़बम्प्स खड़े हो जाएं, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अच्छा था, जो भी था अच्छा था। कुछ लोग है ना इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर कर रहे हैं, यार बाहुबली से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ये बाहुबली को टक्कर नहीं दे सकती है मुझे जहां तक लगा यार, मेरा एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा खराब रहा है ये फिल्म के साथ। फिल्म की अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको काफी ज्यादा खींची हुई नजर आएगी, कन्वर्सेशन काफी ज्यादा है इसके अंदर, यानी दोस्तों जो बोलचाल होती है ना बातें साते होती है उनकी, वो काफी ज्यादा मुझे दिखाई दी, यानी दोस्तों जो बातें साते कर रहे हैं ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात चल रही है, क्यों बातें कर रहा है, कौन आ गया, कौन बातें कर रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन स्क्रीन पर भाई साहब मैं तो है ना दिमाग की ना दही होगी, जो एक्शन सीन है ना वो कहीं कहीं हमें दिखाई देते हैं, पर जो भी दिखाई देते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोच के जा रहे हो युद्ध देखने को मिलेगा, बड़े बड़े युद्ध होंगे इसके अंदर, छोटे छोटे एक दो युद्ध है वही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है जो बाहुबली का था ना, बाहुबली में जो युद्ध देखने को मिला वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर स्टार कास्ट काफी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट थी, काफी अच्छी अच्छी थी, जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है वो अच्छी अच्छी स्टार कास्ट थी, फिल्म अच्छी बन सकती थी, जिनकी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, बेटर है, तो फिल्म अच्छी बन सकती थी, लेकिन अभी क्या है कि फिल्म वो बन नहीं पाई। जैसा ट्रेलर था ना, ट्रेलर को देख के मुझे लगा था कहीं ना कहीं फिल्म ठंडी मीठी लगने वाली है, तो वैसी ही फिल्म है ना, उस ट्रेलर से भी गई बीती थी, यानी कि ट्रेलर के अंदर तो फिर भी हमें कुछ एक्शन सीन दिखाई देते हैं, वही हमें कुछ फिल्म के अंदर भी दिखाई देते हैं। तो ट्रेलर के अंदर एक मैं बात कहना चाहूंगा कि ट्रेलर के अंदर हमें अनिल कपूर की आवाज सुनाई देती है, अब लेकिन फिल्म के अंदर हमें अजय देवगन की आवाज सुनाई देती है, जो कि काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। फिल्म मुझे है ना ओके ओके लगी, यानी कि ओके ओके से भी कम ही लगी, यानी कि मैं तो है ना वास्तव में है ना पक गया था, मैं है ना इस फिल्म के साथ है ना कनेक्ट नहीं कर पाया, पर्सनली बता रहा हूं यार बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। कि आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मौज ले रोज ले, ना मिले तो खोज लें।